राज इंडिया रेल टीम में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी जमील खान की रिपोर्ट। दो पक्षों में विवाद, विवाद में एक की मौत, मामले की जानकारी लगते ही पृथ्वीपुर विधायक पहुंचे परिजनों से मिलने। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम चंदोखा में दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होना बताया गया है। मृतक के परिजन द्वारा बताया गया है कि मृतक को गांव के दबंगों द्वारा गंभीर मारपीट की गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, और यह मारपीट मृतक के साथ, मृतक के पिता के साथ एवं महिला के साथ की गई थी। साथ ही बताया गया कि मृतक की पत्नी के साथ दबंगों द्वारा छेड़खानी की गई थी, जिसका विरोध किया गया और सुबह इस मामले ने तूल पकड़ा और आरोपियों द्वारा मृतक और उसके परिजनों के साथ गाली गलौज एवं हथियारों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें मृतक राजाराम पाल की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया एवं घायलों का इलाज जारी है। पुलिस द्वारा मामला कायम कर लिया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही पूर्व विधायक शिशुपाल परिजनों से मिलने पहुंचे। उनके साथ में थाना प्रभारी भी साथ रहे। विधायक द्वारा परिजनों को सांत्वना दी गई, साथ ही उचित कार्यवाही की बात कही है। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने 307 व 302 की धारा सहित मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। राज इंडिया 18 के लिए जमील खान, टीकमगढ़। ग्राम चंदोखा थाना मोहनगढ़ अंतर्गत सुबह प्रातः कोई घटना हुई थी, जिसके संबंध में यहाँ पे परिजन आए हुए थे और साथ में मतलब वो उसको भी लाए थे जो घायल थे। तो यहाँ पे तत्काल में यहाँ पे कार्रवाई की गई। चौकी में तुरंत ही कार्रवाई करके यहाँ पे मुझे कॉल आया, मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ और साथ ही यहाँ पे परिजनों से बातचीत की गई। यहाँ पे एक व्यक्ति के जो चोटिल था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसका PM कराया गया है और साकुशल उनको भेजा जा रहा है। थाना मोहनगढ़ टीम द्वारा लगातार प्रयास करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, घटनाक्रम क्या हुआ था कुछ परिजनों ने बताया? परिजनों द्वारा अभी फिलहाल इतनी जानकारी दी गई है कि वहाँ के बुंदेला समाज के कुछ व्यक्तियों ने इनके साथ में मारपीट की है और उसमें इन लोगों को चोटें आई हैं और बाकी जांच कार्रवाई की जा रही है थाना मोहनगढ़ द्वारा और जल्दी उनको गिरफ्तार करके न्यायालय की कार्रवाई की जाएगी। आपकी एक शहर से एक खबर जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच सकती है, बस एक से जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।